Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and you people are watching Lone Traveler. तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को ले चलूँगा एक ऐसी जगह जहाँ पे कि 1 करोड़ शिवलिंग पाया गया है और उस जगह का नाम है कोटी शिवलिंग पर्वत, मतलब माउंटेन ऑफ 1 करोड़ शिवलिंग बोला जाता है। ये जगह एक्चुअली में कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का लक्ष्मीपुर ब्लॉक के अंदर आता है। एक्चुअली में लक्ष्मीपुर ब्लॉक के अंदर एक विलेज है जो इस विलेज का नाम है कुटुनी पदर। तो इस विलेज के पास ही एक पर्वत है, मतलब एक छोटा सा माउंटेन है, तो वहाँ पे 1 करोड़ शिवलिंग पाया गया है। तो ये एक्चुअली में विलेज लोग का क्लेम है। तो चलिए आए देखते हैं वीडियो में, आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं और एक चीज़ बताना भूल गया, मुक्तेश्वर मतलब जो मंदिर का नाम है, मंदिर का नाम मुक्तेश्वर टेम्पल, और ये कुटुनी पदर बोल के विलेज जो कि लक्ष्मीपुर ब्लॉक में, ये एक्चुअली में कोरापुट से ज़्यादा दूर नहीं है। कोरापुट से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं आने के लिए तो डेफिनेटली आप इजीली आ सकते हैं, कोई नहीं है। और यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब थोड़ा ज़्यादा उतना ऊंचाई पे नहीं है, 30-40 स्टेप्स वगैरह है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। तो ये स्टेप्स वगैरह क्रॉस करके आप लोग मंदिर के अंदर जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पहली नज़र में आपको दिख जाएगा बहुत सारे मूर्तियाँ जो कि पत्थर से बने हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और बहुत सारे शिवलिंग भी दिख जाएंगे, छोटे छोटे शिवलिंग जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और शिवलिंग के पास आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको गणेश जी का मूर्ति नज़र आएगा। ये एक्चुअल में पत्थर से बनाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और बहुत ही अच्छा कारीगरी से ये सब चीज़ बनाया गया है। ये बहुत ही साल पुराना भी है, मतलब सालों साल बहुत पुराना ये अभी पाया गया है, और यहाँ पे पूजा वगैरह भी किया जाता है। तो चलिए पहले अंदर थोड़ा चल के देखते हैं कि क्या क्या ऐसा चीज़ है देखने के लिए मंदिर के अंदर। यहाँ पर शिवलिंग तो हर जगह ये दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आर्किटेक्चर वगैरह मंदिर का, मतलब पुराना पत्थर वगैरह। तो यहाँ पे पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, तो हम लोग पहले पूजा का काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे तो छोटे छोटे केव्स भी हैं, उसके अंदर भी हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे जाने के टाइम पे ध्यान से जाना चाहिए, क्योंकि नीचे शिवलिंग भी है तो आपका पैर शिवलिंग के ऊपर गिर सकता है, इसलिए ध्यान लगा के आपको जाना पड़ेगा। तो पहले अभी पूजा का काम ख़त्म कर लेते हैं, चलिए आइए। Thank you.
तो दोस्तों यहाँ पे जो आर्किटेक्चर वगैरह है मंदिर के अंदर वो बहुत ही सुंदर है और देखने लायक भी है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप डेफिनेटली यहाँ पे विजिट कीजिए अगर आप कोरापुट के आसपास भी रहते हैं तो। अगर आप देखे नहीं है तो डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं गुफा के अंदर और चल के देखते हैं कि गुफा के अंदर है क्या। चलिए चलते हैं। ओने ओने आसी बाबा यार कौन आछे ये बात कोई चले बाबा ये वटा छु के हाय जाओ जन लोगो हाय जाओ तो ये बात रे के पुड़ जणा पड़ला ने एडा तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख लिए ये जो गुफा के अंदर बहुत सारे शिवलिंग भी है और तीन चार मतलब गुफा है और ये जो दो गुफा दिख रहा है इसके अंदर भी और भी बहुत सारे गुफा है। ये गांव के लोग बोल रहे थे और पुजारी भी बोल रहे थे पर वहाँ पे लाइट वगैरह नहीं था इसलिए जाना हम लोगों को सेफ नहीं लगा। तो मंदिर के अंदर यहाँ पे जो गुफा है एक गुफा थोड़ा बड़ा है तो आप लोग आराम से यहाँ पे आके खड़े भी रह सकते हैं पर जाने के टाइम पर थोड़ा ध्यान से जाना पड़ता है और पूजा वगैरह भी होता है अंदर। और यहाँ पर जो पुजारी थे वही बोल रहे थे कि मतलब मंडे को या सोमवार को बहुत भीड़ रहता है और शिवरात्रि को तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है क्योंकि हम लोग अभी संडे को गए थे तो इतना भीड़ नहीं था और यहाँ पे लोग एक्चुअली में थोड़ा इवनिंग के टाइम पे आते हैं घूमने के लिए और देखने के लिए। लिंग सब सिंह आगुरी आगे आगुरा सिंथे मानते गोटे 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 कठिन कठिन लिंग लिंग तो दोस्तों आज का ये मुक्तेश्वर ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइए और जगह तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि बहुत ही मतलब पुराना और हिस्टोरिकल प्लेस है और मुझे पता नहीं था ये कोरापुट के पास था
और जब पता चला मैं यहाँ पे आके आप लोगों को दिखाने के लिए ट्राई किया। तो अगर आप कोरापुट के पास है तो डेफिनेटली ये जगह को आप विजिट कीजिए और देखिए, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानिए, क्योंकि मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना सारा शिवलिंग एक जगह में है। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है और उड़ीसा गवर्नमेंट भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, थोड़ा टूरिज्म के लिए इम्प्रूव करना चाहिए। तो देखते हैं, ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये वीडियो बताइए कैसा लगा, कमेंट भी कीजिए। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।